एसआर इंटरनेशनल एकेडमी नाथनगर में चल रही वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का अवलोकन करने पहुंचे डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी। आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के नाथनगर विकासखंड के अंतर्गत एसआर इंटरनेशनल एकेडमी के स्पोर्ट ग्राउंड में भी वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के दौरान देखने को मिली। हुआ कुछ यूं कि चल रही प्रतियोगिता का अवलोकन करने सूर्या ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी प्रतियोगिता स्थल पहुंचे, जहां ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का उन्होंने उद्घाटन करना था। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद जब सूर्या के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने मैच का उद्घाटन करने के लिए बल्ला उठाया तो एक खिलाड़ी की गेंद पर बोल्ड हो गए। बड़े भाई का बोल्ड होना शायद मौके पर मौजूद उनके अनुज एवं एसआर के एमडी राकेश चतुर्वेदी को रास नहीं आया, तभी तो उन्होंने उद्घाटन के लिए बॉलिंग की कमान खुद संभाल ली। और जब छोटे भाई की गेंद पर सूर्या के एमडी ने बाउंड्री लगा दी तो मौजूद खिलाड़ियों और शिक्षकों के साथ राकेश चतुर्वेदी का चेहरा भी खिल उठा और उद्घाटन प्रक्रिया संपन्न हुई। सूर्या ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप ने इस मैच का विजेता टीम के लिए 2100 और उप विजेता टीम के लिए 1100 रुपये का पुरस्कार रख दिया। पहले बैटिंग करते हुए ग्रीन हाउस ने निर्धारित 5 ओवर में 3 विकेट खोकर 29 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में ब्लू हाउस की टीम ने 3 विकेट खोकर 32 रन ही बना सकी। सूर्या के एमडी ने दोनों टीमों को नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मनोज कुमार यादव, वेद प्रकाश पांडे, अभयानंद सिंह, अमरनाथ उपाध्याय, अंकित पाल, विकास पाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बताएं, दनघटा से अमित प्रताप मिश्र की रिपोर्ट। शुभारंभ का कार्यक्रम देखा, बच्चों के कई कार्यक्रम देखे, कई बच्चों ने अच्छे प्रदर्शन किए। खेल में जीत हार लगी रहती है, जीतने वालों को भी शुभकामनाएं, हारने वालों से मैं अपील करूंगा कि और बेहतर खेल खेलें, मेहनत करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें। प्रयत्न करने वाले को निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलती है। मैं बच्चों को, इस विद्यालय परिवार को शुभकामना देता हूँ। सभी आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश की भाग्य निर्माण में, देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें।